हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गर्मी के लिए ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक। देखिए देखने में कितना यमी यमी लग रहा है, तो चलिए झटपट से बनाते हैं। तो मैंगो शेक बनाने के लिए लिया है मैंने यहाँ पे आम। तो यहाँ पे मैंने दो बड़े बड़े आम लिए हैं। तो सबसे पहले आम को कट कर लेते हैं। तो आम को साइड से कट कर लेंगे और साइड का पीस अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब चाकू से इसमें कट लगा लेंगे। ये देखिए मैंने आम के पीस में अच्छे से कट लगा लिया है। और लिया है मैंने यहाँ पर एक बाउल और चम्मच की मदद से पूरे आम को निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरह से सारे आम के पल्प को निकाल लेंगे। गर्मियों में जब इस तरह से आम से मिल्क शेक बनाते हैं, पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है, तो आप भी इस गर्मी ज़रूर बनाइए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आम के दूसरे साइड से भी कट कर लिया है। और इसी तरह से मैं सारे आम को कट कर लूँगी। जब इस तरह से आम को काटते हैं तो बहुत जल्दी आम कट के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों आम को कट कर लिया है। तो अब आम के साथ मुझे और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है चलिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ये आम जिसको मैंने अभी अभी कट किया था, और लिया है साथ में एक कप दूध। एक बड़ा कप दूध लेंगे और साथ में लिए हैं 2 से 3 चम्मच फ्रेश मलाई, 3 से 4 लिए आइस क्यूब। और गार्निश के लिए लिए मैंने यहाँ पे आम जिसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, और लिए हैं टूटी फ्रूटी, और लिए हैं काजू और बादाम जिसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, और 2 चम्मच लिए नारियल का बुरादा, 3 से 4 चम्मच लिए मैंने चीनी, और साथ में लिए मैंने 7 से 8 काजू और बादाम। तो अब चलिए मिल्क शेक बनाने के लिए लेंगे मिक्सी का जार। तो मैंने लिया है यहाँ पर एक मिक्सी का जार, और उसमें डाल देंगे सबसे पहले आम। तो ये देखिए पर मैंने आम को डाल दिया है, और अब डाल देंगे इसमें दूध। अब एक एक करके सारी चीज़ों को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया नारियल का बुरादा, चीनी और काजू और बादाम और मलाई। मलाई डालने से बहुत ही अच्छा क्रीमी क्रीमी मिल्क शेक बन के तैयार होगा। और साथ में डाल देंगे 3 से 4 आइस क्यूब। दूध भी ठंडा ही लेंगे जिससे कि एकदम ठंडा ठंडा मिल्क शेक तैयार हो। और अब चलिए इसे चला लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। तो मैंने इसे यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लिया है जिससे कि अच्छे से काजू और बादाम और आम अच्छे से पिस जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से चला लिया। अब चेक कर लेते हैं, देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है, कितने अच्छे क्रीमी क्रीमी बना है। तो चलिए अब ठंडा ठंडा मिल्क शेक सर्व करते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे 2 कांच के गिलास। तो अब इसमें मिल्क शेक को डाल देंगे। गर्मी में जब इस तरह से मिल्क शेक बना के तैयार करते हैं तो बच्चों को जो बहुत ही पसंद आता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों गिलास को अच्छे से भर दिया है। तो अब चलिए इसे गार्निश करते हैं। तो सबसे पहले डाल देंगे काजू और बादाम, थोड़े थोड़े काजू बादाम डाल देंगे ऊपर से जिससे कि देखने में और भी सुंदर लगे। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम डाल दिया है, और अब थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए इसमें डाल देंगे टूटी फ्रूटी। तो यहाँ पर मैंने 2 कलर की टूटी फ्रूटी ले ली है, हरी और लाल। तो इसको भी डाल देंगे। ये देखिए मैंने दोनों ग्लास में दोनों कलर की टूटी फ्रूटी डाल दी है, और अब डाल देंगे इसमें आम के टुकड़े। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है इसमें, बिल्कुल कलरफुल मिल्क शेक बन के तैयार हुआ है। तो मैंने आम के टुकड़े भी डाल दिए हैं, और अब इसमें ऊपर से थोड़े से काजू बादाम और डाल देंगे।
और साथ में ही थोड़े टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए अच्छे से इसे गार्निश कर दिया है। देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मन कर रहा है कि जल्दी से इस मिल्क शेक को पी लें। तो चलिए हम तो इसे ठंडा ठंडा इंजॉय करते हैं, तो आप भी ज़रूर इस गर्मी इस मिल्क शेक को बनाइए और ठंडा ठंडा इंजॉय कीजिए। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।